हेलो एवरीवन, जय श्री राम। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सरसों वाले मौसम में अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम कोई चैप्टर या कोई बुक से रिलेटेड कोई चीज पढ़ाने वाले नहीं है। हालांकि है तो एक बुक का ही, लेकिन इसके बिना बुक के बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग के लगेंगे नहीं। तो मैं ये जो पीरियडिक टेबल देख रहे हैं, मैं पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। मैं फार्मूला कैसे बनता है केमिस्ट्री में वही आज बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि किस तरीके से फार्मूला बनाया जाता है और किस तरीके से सूत्र हमारा सही होता है या गलत होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका सबसे बढ़िया प्यारा न्यारा ये पीरियडिक टेबल है। इस पीरियडिक टेबल में ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, 6 लिखा है, ये दिख नहीं रहा है ना। एक मिनट, देखिए, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। एज्यूम करना है आपको थोड़े समय के लिए, ये पूरा 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और आपको समझना है थोड़े समय के लिए कि जौने ग्रुप में, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप, यानी 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5, 6, 7, 8, समझिए। पहले इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं हम आवर्त। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, इसमें 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7। ठीक, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको समझना क्या, मैं बता रहा हूं। मतलब ये जो पहले वाले में है, इसका मतलब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, बस इतना ही आप समझिए। इसमें एक समय के लिए समझिए कि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। हां, ये कुछ नहीं गलत बता रहा हूं, लेकिन आप समझिए। पहले आपको मैं समझा रहा हूं कि इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है इस पर वैलेंस शेल में, यानी बाहरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस आप ये समझ। ठीक, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्लोरीन, सब में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। सब पे कितने पॉजिटिव चार्ज? 1। इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेनोसाइन, बेरियम और रेडियम, सब पे चार्ज कितने? 2। पॉजिटिव चार्ज कितने? 2। और इस वाले सब पे कितने? 3। हमको इसके ज्यादा फेवर में नहीं लेना, हम यही दोनों को लेते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप मैंने ले लिया। आपसे कोई पूछा कि आपको कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र बताइए, कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र बताइए। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत कमेंट में लिखिए कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। अगर वो भी आ रहा है तो कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र लिखिए, लिख दिए। अगर वो भी आया तो कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र लिखिए। ठीक है, अगर ये भी आ रहा है तो फेरस क्लोराइड का सूत्र लिखिए और फेरिक क्लोराइड के लिखिए और वीडियो बंद करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन नहीं आ रहा है तो अंत तक वीडियो देखना जरूरी है, इसकी बात करना, सोच लेना, समझे ना। चले चल दे तो समझो, ये मैं मूलक लिखा हूं थोड़ा बहुत। ये क्लोराइड, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, साइनाइड, अमोनियम, बाइकार्बोनेट, और ये बात बाद में बताएंगे। ठीक बात, ठीक है। तो ये फ्लोराइड लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आपको सोडियम फ्लोराइड का सूत्र बताइए, तो सीधे कहेंगे सर ये मुझसे पूछा क्या गया है, सोडियम फ्लोराइड, ये हो गया सोडियम और ये हो गया फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो सोडियम का मतलब भैया मेरे का होगा, हो सोडियम, और फ्लोराइड का मतलब यप, हो गया मेरा सूत्र, बन गया सोडियम फ्लोराइड। सर इतना आसान है? आसान भी है, कठिन भी। अब चार्ज देखें, सोडियम पे चार्ज कितना मैंने बताया था, इस पर +1, और क्लोराइड कितना होता है? 1, हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह फ्लोराइड, इसी तरह क्लोराइड, इसी तरह ब्रोमाइड, इसी तरह आयोडाइड,
का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चलते हैं आगे कार्बोनेट में। कहा चले हम लोग? कार्बोनेट। चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। नहीं, पहले मैं आपसे पूछता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का आप इससे लिखा हुआ पढ़ भी लेंगे और अगर आपसे कोई पूछे तो बता भी लेंगे, इसलिए ठीक है। ये लिखा है कैल्शियम, ये क्या लिख दिया यार, मैं लिख रहा हूं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र बताना आपको, तो कैल्शियम का मेरे लाल CA, क्या हो जाएगा C, और कार्बोनेट का मेरे लाल CO3। कार्बोनेट में मैंने दो को निगेटिव चार्ज लगाया है, इस पे दो को निगेटिव चार्ज लगा देंगे, और CA पे ये दूसरी लाइन में मैंने बताया था इस पे दो को पॉजिटिव चार्ज, इस पे दो को पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, आराम से ये सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हमने पूछ दिया सोडियम कार्बोनेट का बनाइए, किसका? सोडियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट का, तो सोडियम लिख दिया सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और बना के चले आप को नहीं किया, ये वजह खबर दिखाते हैं आप लोग। देखिए CO3 पे डबल निगेटिव चार्ज और Na पे एक पॉजिटिव चार्ज, क्या समझते हैं कि सूत्र बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे दो नेगेटिव चार्ज है, कैसे बनेगा? बैलेंस हो पाएगा? नहीं बैलेंस हो पाएगा, इसलिए हमको इसको भी दो को पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा, तब दो नेगेटिव चार्ज दो को पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस होगा। अब दूल्हा है, दूठो दूल्हा में एठो है, कैसे शादी होगा? दूल्हा का दूठो एठो दूल्हा, कैसे शादी होगा? एक देखिए दो दूल्हा है सर, एक एक दूल्हा है, कैसे कम्बिनेशन होगा? नहीं होगा, इसको तो करना पड़ेगा, तो दो कहते हैं कैसे, इसको कहते हैं हम लोग Na2, मतलब दो को दो हो गए Na, दो को Na हो गए तो दो को पांच चार्ज भी हो गया, और CO3 दो इस पे निकल चुका है, अब ये हो गया Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। बस समझ में आ गई, ठीक आगे चलते हैं। अच्छा अब आगे अगर बात करें हम, देखिए आगे वाले पेज पे बताएंगे। अब आपसे पूछता है कोई मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैं तुरंत बता दूंगा, मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट, ध्यान देना कार्बोनेट पे डोरो में डिस्चार्ज और मैग्नीशियम यहां पे है, मैग्नीशियम यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज, आराम से हो गया, कितना आसान था, हो गया सर, मैग्नीशियम का सूत्र पढ़ के। थोड़ा आप देखते हैं, चलते हैं सल्फेट में, देखना है बड़े बड़े ध्यान से देखिएगा सल्फेट में, ठीक है सल्फेट में देखिए ध्यान से देखिए, एक चीज यहाँ पे लिखा लिखा हूं कि एक तो लिखा गया सल्फेट, क्या लिखे हैं सल्फेट, और एक तो लिखे हैं सल्फाइट, क्या लिखे हैं सल्फाइट, ये कहा गया, और एक तो लिखे हैं सल्फाइड, तीनों में अंतर है, मैं एक को एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूं। इस पे चार्ज कितने हैं दो नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज कितने हैं दो नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज कितने हैं दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है सब पे दो दो नेगेटिव चार्ज है। आपसे पूछे जा रहे हैं तीन सवाल, सर कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताइए, कैल्शियम सल्फेट का मैंने क्या लिखा, कैल्शियम सल्फेट और मैंने एक बार लिखा कैल्शियम सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट और एक बार मैंने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम सल्फाइड, ध्यान देने वाले कहते सब, इसमें भी कैल्शियम है सर कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम सर कैल्शियम, इसमें भी कैल्शियम सर कैल्शियम, सब मैंने कैल्शियम बना लिया, ठीक ठीक। अब इसे लिखा सल्फेट, आप लिखिए SO4 डबल निगेटिव, इसमें लिखा सल्फाइड SO3 डबल निगेटिव, SO3 डबल निगेटिव, SO3 डबल निगेटिव, सल्फाइड यस डबल निगेटिव, यस डबल निगेटिव, देखिए कितना आसान हो गया, CA समय CA पे सफेद पॉजिटिव चार्ज दुगो था कि मैं था ना हो था, दुगो पॉजिटिव दुगो नेगेटिव, दुगो पॉजिटिव दुगो नेगेटिव, दुगो पॉजिटिव दुगो नेगेटिव, वाह वाह
कितना आसान है पॉजिटिव नेगेटिव पर। अगर ये मुझे मूलक पता रहे, अगर ये मुझे मूलक पता रहे तो इसमें सीधे सीधे हम जोड़ जोड़ लेंगे, जोड़ जोड़ लेंगे और मेरा सूत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आराम से केमिस्ट्री हम लोग सीख लेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, तीनों में अंतर देखा ना, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। आपको अगर नहीं आया रहा होता इसके पहले तो आपको कमेंट करके बताएंगे सर अभी मैंने सीखा है, क्योंकि सल्फेट सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर होता है, ये होगा सल्फाइड और ये होगा सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे चलो, चलो इसको मिटाते चलें, क्योंकि आगे अगर मैं अगर बीच बताओ सब कुछ गायब हो जाएगा, आप समझने में समस्या होगी। ठीक है ना, इसलिए इसी बता रहा हूँ मिटाने। ठीक है, चलिए कुछ और पूछते हैं। ठीक है, सोडियम मैं याद लिखता हूँ फिर से, SO4 डबल नेगेटिव, ये सल्फेट SO3 डबल नेगेटिव सल्फाइड, यस डबल नेगेटिव सल्फाइड। आपसे पूछ दिया सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताइए, सोडियम सोडियम सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताइए सर, कहेंगे ये हो गया मेरा सोडियम और ये हो गया सल्फाइड। सल्फाइड में सर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी पे को पास होता है, क्या ये बैलेंस है सर? नो, एक दूल्हा दो दूल्हा नहीं बदल सकते, एक दूल्हा अलग दो कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, वाह वाह। आगे सोडियम सल्फाइड, सर सोडियम सल्फाइड में सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताइए। हाँ, सोडियम सल्फाइड का सूत्र पूछा है, सोडियम सल्फाइड टॉ का पूछ रहा है, तो देख बाबूगा सोडियम और ये सल्फाइड टॉ डबल नेगेटिव पहले पॉजिटिव ले दूल्हा दू कर दिए तो इन्हें हो गया आराम से हो गया। चलिए यानी सल्फेट सल्फाइड में आपको बात सुननी नहीं आ गई होगी। ठीक है, इसका मतलब दिस इज सल्फेट, दिस इज सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड। इसी तरह देखिए, इसी तरह मैं इसको मैंने कैसे कैसे लिखा, ये अलग वाला पार्ट है, ये अलग वाला पार्ट है, मतलब एक ही साइड में नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइट। ठीक है, मिटाते हैं, अगर इसको कोई नोट करना चाहे तो ये तो तीन टर्म खींची मानी के साथ खर्च से हो गया खजाक से। चलिए आगे देखते हैं, अब सवाल नाइट्रेट में चलते हैं। ठीक है, सवाल तीन साल फिर से कि सर सोडियम सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट फिर क्या सॉरी सोडियम नाइट्राइट अगर आता है तो लिखते रहिए, और एट है सोडियम नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइड। देखिए बढ़िया सवाल है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे लोग उनको पहला चैप्टरवा में सूत्र का याद नहीं रहेगा ना, तहीं का नहीं पता रहेगा, तब सूत्र तो सब चला जाएगा भीतर, सुन लीजिएगा इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, ये हो गया सोडियम और ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट पर निगेटिव चार्ज कितने बेटा एक, इस पाचर कितना एकदम खुश है, तो कोई डबल सिंकलिंग करने की आवश्यकता, ये हो गया मेरा काम टकाटक, ये हो गया सोडियम नाइट्राइड। क्या सोडियम नाइट्राइड का भी देख लेते हैं, ये हो गया सोडियम और ये हो गया नाइट्राइड, NO2 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये को पॉजिटिव ये को नेगेटिव NaNO2, खुश 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 खुश। सोडियम नाइट्राइड का देख लेते हैं, ये है सोडियम और ये है नाइट्राइड, क्या खुश है सर? नहीं हो, तीन तीन तो दुल्हन दुल्हा की को कैसे होएगा, नहीं होगा, तीन दुल्हा करना पड़ेगा, ले तीन दुल्हा, तीन तो दुल्हा एन ए थ्री एन। अब ये पढ़ेंगे सोडियम नाइट्राइड, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, काहे नहीं आएगा, इसकी औकात है कि नहीं आएगा तो ध्यान रहे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल नेगेटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है, आगे चले इसको मिटाते हैं, इसके साथ ले लीजिए
अब बात करते हैं इसमें का। आपसे सवाल पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एट है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। सर सोडियम ये हो गया, सर सोडियम ये हो गया। हाइड्रोक्साइड मतलब होता है OH और हाइड्राइड मतलब होता है H। हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्राइड। पांच चार एगो पॉजिटिव नेगेटिव खुश है, कोई जो गलती करने की आवश्यकता नहीं है, एगो पॉजिटिव नेगेटिव खुश है। याद रखिए एच नेगेटिव हाइड्राइड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा इसको आप लोग मिटाते हैं, ठीक है। अब से सवाल पूछता है कि सर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। सर मैं बता दूंगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड का सूत्र। सर मैग्नीशियम कलर होता है Mg और क्लोराइड मतलब होता है Cl। क्या दिक्कत आ रही है, Cl पे एक नेगेटिव चार्ज, Mg पे दो को नेगेटिव चार्ज। अब दूल्हा कितना हो गया, दो बार दूल्हा एक हो, तो काम गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, दो को दूल्हा करना पड़ेगा ना, देख दो दूल्हा होगी, यानी हो गया Mg Cl2, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, मैं जिसमें कॉल सूत्र बन गया आराम से। चल मेरे लाल कहाँ चले हैं अहिजन। अब से अगर सवाल से पूछे हम कि आप हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए, नामी नहीं याद आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे है। देखो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सर कैल्शियम का मतलब मेरे लाल CA, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अच्छा नेगेटिव चार्ज किस पे है, एच पे की ओ पे, दिख रहा है एच पे लेकिन है उसकी असल किस पे, ओ पे। मैं इसको बताऊंगा कभी, मैं बंद पढ़ाऊंगा, ठीक OH। अब क्योंकि इस पे चार्ज है दो, इस पे चार्ज है एक, तो दूल्हा हो गए दो, दुल्हन हो गई, ये दोनों दो करना पड़ेगा ना, ये हो गया दो। CaOH का होल ट्वाइस कर देंगे, हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। एक बात बताइए, थोड़ा सा इसमें चलते हैं, क्या चलने की आवश्यकता है। आपसे पूछा अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, इसका अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड तरीके अमोनियम क्लोराइड का हमसे सूत्र पूछा है। देखो अमोनियम का नंबर NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव ले, हो गया H4Cl। बताओ सूत्र याद करने की जरूरत है, नहीं याद करने की जरूरत। अब इसी में बताओ इस अफवाह का भिड़ाओ, पर एच की भिड़ाओ, एक बार Li को भिड़ाओ, एक बार Na को भिड़ाओ, एक बार K को भिड़ाओ, एक बार ये R में भिड़ाओ, एक बार इसको भिड़ाओ, एक बार इसको भिड़ाओ, तो इसी के साथ एक बार इसको भिड़ाओ, एक बार इसको भिड़ाओ, एक बार इसको भिड़ाओ, सूत्र बनते चले जाएंगे, सूत्र बनते चले जाएंगे। कैसे आप समझिए, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि ये लिखा है कार्बोनेट, क्या लिखा है CO3 डबल नेगेटिव, ठीक है। पूछता है हाइड्रोजन कार्बोनेट एस जो दे H2CO3, लिथियम कार्बन Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, Cm2CO3 या Fe2CO3, हो गए सूत्र बन गए, कितने बन गए, सात सूत्र बन गए। यहां से BeUCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, RaCO3, है ना, ये हो गए कार्बोनेट के बहुत सारे। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है।
ठीक है। चलिए पेट्रोल बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड मैं बताया गया कि एल्यूमिनियम यहां पे है, एक एल्यूमिनियम यहां पे, कितने चार्ज होंगे? थ्री। कितने चार्ज होंगे? थ्री। तो बस एल्यूमिनियम पे थ्री पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे देंगे ट्वेल्व। ए वो तीन तो दूला एक दूला कर दो तीन ठो, क्या कर देंगे? तीन ठो हो गया। ए एल ओ एच का होल थ्राइस है ना, ए एल ओ एच का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ये बना लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। बाइकार्ड में जोड़ देंगे, एन ए लगा देंगे, एन ए एन ए टू सी एन ए एस सी ओ थ्री ऐसे लगा ला आप लोग। जैसे सोडियम साइड इस पर भी बता देते हैं, ये सोडियम साइड में अगर आपसे कोई सूत्र पूछता है सोडियम साइनाइड तो क्या लिखेंगे सोडियम साइनाइड भाई? ये हो गया अरे यार ये हो सोडियम, ये हो गया साइनाइड, हो गया सोडियम साइनाइड। थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको देख लेते हैं। हमसे सवाल में पूछा कि फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड क्या, फेरस क्लोराइड क्लो फेरिक क्लोराइड क्लो राइट एक आप लोग देखे होंगे FeCl2 होता है, ये वो FeCl3 होता है। तो कौन FeCl2 कौन FeCl3, तो ध्यान देगा अस में कम इक में ज्यादा, यानी फेरस फेरस FeCl2 FeCl3 यहां पे कितना चार्ज आ पाएगा? थ्री, क्योंकि तीन को लगा ना या फाइव की वजह से यहाँ पे कितनी आएगी? थ्री। यहाँ पे कितनी आएगी? दो, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही सेल लगा है, तो यहाँ पे कम है तो चार्ज कितना है? दो ही है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे अस, यहाँ पे चार्ज क्या है? ज्यादा है, यहाँ पढ़ेंगे इक, तो यहाँ फेर रस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड अस में कम इक में ज्यादा है। अगर आप कोई और डाउट होगा हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिएगा या 9807757 पे आप हमको मैसेज करके कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई समस्या आती है समझने में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समस्या आएगी तब ना, समस्या आएगी नहीं एक बार आराम से देखिए, नहीं समझ में आता है रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके पेपर के लिए। चाहे पेपर का पेपर दे, चाहे किसी एग्जाम दे, किसी भी एग्जाम के लिए देंगे आप, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? मैंने यूट्यूब पे देखा कहीं नहीं मिला, तो मैं सोचा डाल देते हैं। तो इस साथ देते हैं वाणी को विराम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।